ईरान और इसराइल के बीच तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी, जिससे क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। क्या यह तनाव युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है? आइए एक नजर डालते हैं दोनों देशों की हमलावर और रक्षा क्षमताओं पर और जानते हैं कि ये दोनों शक्तियां किस तरह से एक दूसरे का सामना करने की तैयारी कर रही हैं। सैनिकों की संख्या 2023 के सैन्य बैलेंस द मिलिट्री बैलेंस के अनुसार, जिसे यूनाइटेड किंगडम स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा प्रकाशित किया गया, ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें 3,50,000 सेना में, 1,90,000 IRGC में, 18,000 नौसेना में, 37,000 वायुसेना में और 15,000 वायु रक्षा में शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के पास 3,50,000 का रिजर्व बल भी है। ईरान में 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, जिसमें कुछ छूट भी हैं। इसराइल के पास 1,69,500 सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें 1,26,000 सेना में, 9,500 नौसेना में और 34,000 वायुसेना में शामिल हैं। इसराइल के पास 4,65,000 का रिजर्व बल भी है। इसराइल में अधिकांश 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, जिसमें कुछ छूट भी हैं। सैन्य खर्च स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPR एक फैक्ट शीट के अनुसार, ईरान ने 2023 में $10.3 बिलियन खर्च किए, जो 2022 से 0.6% अधिक था। इसराइल ने 2023 में $27.5 बिलियन खर्च किए, जो 2022 से 24% अधिक था, जिसमें गाजा पर अक्टूबर 7 के हमले के बाद युद्ध का भी योगदान था। जमीनी सेना 2023 के सैन्य बैलेंस के अनुसार, ईरान के पास 10,513 से अधिक युद्धक टैंक, 6,798 से अधिक तोपें और 640 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सेना के पास 50 हेलीकॉप्टर और IRGC के पास 5 हेलीकॉप्टर हैं। इसराइल के पास 400 युद्धक टैंक, 530 तोपें और 1,190 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां हैं। वायुसेना ईरान के पास 312 लड़ाकू विमान और IRGC के पास 23 अतिरिक्त विमान हैं। वायुसेना के पास 2 हमलावर हेलीकॉप्टर हैं, सेना के पास 50 और IRGC के पास 5 हैं। इसराइल के पास 345 लड़ाकू विमान और 43 हमलावर हेलीकॉप्टर हैं। नौसेना ईरान के पास 17 टैक्टिकल पनडुब्बियां, 68 गश्ती और तटीय युद्धक पोत, 7 कॉर्वेट्स, 12 लैंडिंग शिप, 11 लैंडिंग क्राफ्ट और 18 लॉजिस्टिक व सपोर्ट उपकरण हैं। इसराइल के पास 5 पनडुब्बियां और 49 गश्ती और तटीय युद्धक पोत हैं। वायु रक्षा प्रणाली इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली में प्रमुख रूप से आयरन डोम शामिल है, जो ईरान की अधिकांश मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। यह प्रणाली एक रडार से लैस है, जो आने वाली मिसाइल की दिशा और गति को पकड़कर खतरे का आकलन करती है। यदि खतरा होता है तो इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। इसराइल में आयरन डोम की 10 बैटरियां फैली हुई हैं। अन्य प्रणालियां मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकती हैं, जैसे डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम। ईरान के पास विभिन्न सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां हैं, जिनमें रूसी निर्मित S-200, S-300 और स्थानीय बावर 373 शामिल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास 12 से अधिक प्रकार की मध्यम और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इसराइल के पास 4 से अधिक प्रकार की छोटी, मध्यम और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं,
जिनकी रेंज 280 किलोमीटर से 6500 किलोमीटर तक है। परमाणु क्षमता, इजराइल के पास अनुमानित 90 परमाणु हथियार हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसका परमाणु कार्यक्रम उन्नत है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक धार्मिक आदेश में हथियारों के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि मई 2023 में ईरान ने अपने अस्तित्व पर खतरा होने की स्थिति में अपनी परमाणु नीति को बदलने की चेतावनी दी थी।